सीएम हेमंत सोरेन आज गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। 6 जिलों के भ्रमण कार्यक्रम में सीएम स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास समेत कई जगहों का निरीक्षण करेंगे। सरकार की कई योजनाओं के लाभुकों से योजनाओं की जानकारी लेंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी है। बता दें कि 8 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच मुख्यमंत्री 6 जिलों गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर का दौरा करेंगे और इस बाबत योजना एवं विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। पहले दिन के भ्रमण में सीएम कई आधारभूत परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसमें मॉडल स्कूल, जिला स्कूल और अन्य विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल, छात्रावास, पेयजल आपूर्ति योजना, सड़क और पुल सिंचाई योजना शामिल हैं। इसके अलावे सीएम निम्न योजनाओं के 100 से 150 लाभुकों के साथ एक ही स्थल पर मुलाकात कर योजनाओं की जानकारी लेंगे और इसके साथ ही जिला मुख्यालय में जरूरतमंदों को कंबल बांटने के अलावा मुख्यमंत्री किसी भी सरकारी कार्यालय या संस्थान का औचक निरीक्षण करेंगे। वहीं दूसरे दिन सीएम जिला मुख्यालय में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मॉडल स्कूल, जिला स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, जिला और सदर अस्पताल, जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। दोनों जिलों से संबंधित प्रशासनिक समीक्षात्मक बैठक करेंगे। बैठक में निम्न सदस्यों के उपस्थित रहना अनिवार्य है। इस दौरान दोनों जिलों के प्रभार मंत्री, सांसद और विधायक, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त और उप पुलिस महानिरीक्षक, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, बीडीओ और सीओ मौजूद रहेंगे। तो आज गढ़वा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत हो रही है। टाउन हॉल मैदान में कार्यक्रम है। विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गढ़वा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा और टाउन हॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए ये खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस जोहार यात्रा में सरकार अपनी उपलब्धियां तो बताएंगी, लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ये भी कोशिश होगी कि सरकार ने जो लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं वो योजना क्या धरातल पर उतर पाई है, क्या लाभुकों तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं। मतलब दो दो लक्ष्य हैं जिसे साधने की कोशिश इस यात्रा के जरिए। बिल्कुल, देखिए पलामू प्रमंडल के गढ़वा से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है आरती, और तकरीबन 12 बजे के आसपास जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पलामू पहुंचेंगे और वहां से सीधे डाल्टनगंज से वो गढ़वा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे, तो जिसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। गढ़वा से इस यात्रा की शुरुआत होनी है तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो जो मेरे पीछे का जो आप मंच देख रहे हैं, यहीं वो मुख्य कार्यक्रम होना है। गढ़वा का टाउन हॉल का ये जगह, हम आपको तस्वीर पहले अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये गढ़वा का टाउन हॉल है और
मुख्य मंच जो है वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसके अलावा तमाम जो सरकार ने हाल के दिनों में जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उसको लेकर कटआउट्स लगाए गए हैं, चाहे आप ओबीसी आरक्षण की बात कर ले, स्वतः म्यूटेशन की प्रक्रिया जो सरकार ने अब शुरू की है, तो तमाम तरह के कटआउट्स लगाए गए हैं। ये बताने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि सरकार जो है वो क्या कर रही है। दूसरी तरफ इस यात्रा के बाद जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे आप डाल्टनगंज के जिले के अधिकारी की बात कर ले, गढ़वा जिले के अधिकारी की बात कर ले, तो दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार की उसकी अद्यतन क्या रिपोर्ट है उसका फीडबैक लेने की कोशिश मुख्यमंत्री अपने इस यात्रा के माध्यम से करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, मसलन किसी स्कूल में वो औचक निरीक्षण के तौर पर जा सकते हैं, किसी अस्पताल में जा सकते हैं, तो इसकी भी जानकारी है। तो बैठक भी होनी है अधिकारियों के साथ, योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक भी लेंगे और इस यात्रा की एक ऑफिशियली शुरुआत जो होनी है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। पहले चरण में चूंकि यहाँ के बाद दूसरे जिलों में भी जाना है तो तमाम जो तैयारी है इस यात्रा के मद्देनज़र वो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। आरती और तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री की यहाँ मौजूदगी होगी, उनके साथ जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम वो भी मौजूद रहेंगे, जो आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं सत्यानंद भुक्ता वो भी मौजूद रहेंगे। तो गठबंधन दलों की एक तरीके से आपको यहाँ एकजुटता भी नजर आएगी, क्योंकि पहले ही ये कहा गया था कि इस यात्रा में सहयोगी दलों के लोग भी शामिल होंगे, तो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों दलों के जो नेता है जो कार्यकर्ता है जो बड़ी संख्या में गढ़वा डाल्टनगंज या लातेहार जिलों से जो नज़दीक से आते हैं तो वो तमाम लोग मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो गढ़वा जो है अब इंतज़ार कर रहा है मुख्यमंत्री के आने का, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है आरती, और अब इंतज़ार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आने का, जिसके बाद जोहार यात्रा की जो शुरुआत होगी, जो ऑफिशियली शुरुआत होगी वो यहीं से होगी। आरती राकेश, ये तो इंतजार है, लेकिन देखिए इसका दूसरा पहलू भी जिस तरह से विपक्ष कह रहा है या फिर जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं कि इसे आप आगामी विधानसभा चुनाव के तैयारियों से भी जोड़कर देख सकते हैं कि हालांकि अभी वक्त है लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो तैयारियों में जुट गया है और इस यात्रा को उस कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं देखिए, चुनाव के दूसरे दिन से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या तमाम दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं, मौजूदा जो वक्त है और जिस तरह का राजनीतिक देश में चल रहा है, चुनाव के दूसरे दिन से ही लोग जो है वो चुनाव में जुट जाते हैं, तो आप इसे इस यात्रा को उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या आरजेडी के नेता ये जरूर कहते नजर आए हैं कि ये यात्रा जो है वो चुनाव के मद्देनजर नहीं है, लोगों के बीच मुख्यमंत्री जाना चाहते हैं, लोगों का फीडबैक लेना चाहते हैं, जो काम उन्होंने किए हैं बीते 3 वर्ष में उसको लेकर राज्य की जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या है सरकार को लेकर, ये जानने की कोशिश है। हालांकि सियासी तौर पर इस यात्रा को जाहिर आप कह सकते हैं कि ये चुनाव के मद्देनजर है, क्योंकि बहुत वक्त नहीं है, 2 साल है, हालांकि वक्त तो है लेकिन बहुत वक्त आप इसे नहीं कह सकते हैं, जो आखिरी साल होता है वो चुनावी मूड का ही होता है, तो उस लिहाज से भी आप इसे जोड़ सकते हैं। जनता के नब्ज को मुख्यमंत्री टटोलेंगे इस यात्रा के माध्यम से, ये कोशिश उनकी होगी ये जानने की कि जो काम उन्होंने 3 बरस में किया है क्या उस काम से राज्य की जनता खुश है, उनका भी फीडबैक लिया जाएगा, तो इससे भी जोड़कर इसको जो है वो देखा जा रहा है जरूर। लेकिन सत्तारूढ़ दल इस यात्रा को उस नजरिए से देखने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन सियासत में कुछ भी अलग नहीं होता है, आप कुछ भी करते हैं तो वो चुनाव के दृष्टिकोण से ही चीजें होती हैं, तो आप इसको उस नजर से भी देख सकती हैं आरती। बिल्कुल, तो अब चलिए अपने अपने राजनीतिक चश्मे से सत्ता पक्ष अपनी तरफ से देख रहा है और विपक्ष अपनी तरफ से, हालांकि ये तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, अब इंतजार अगर है तो मुख्यमंत्री के आने का, और जैसा कि आप बता रहे राकेश कि 12 बजे दोपहर 12 बजे तक मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, तो और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे दर्शकों को। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए खतियानी जोहार यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है, गढ़वा से इसकी शुरुआत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।